नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में, हूं आपके साथ शिवानी पांडे। रिया चक्रवर्ती अब लगातार सवालों के घेरे में हैं। आज रिया से ईडी ने पूछताछ जरूर की, लेकिन अब भी ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब सुशांत का हर फैन रिया से चाहता है। क्या रिया सुशांत के पैसों से प्यार करती थी? क्या रिया सुशांत को पागल साबित करना चाहती थी? सुशांत के साथ रहने का आखिर रिया का मकसद क्या था? लेकिन इन सबके बीच एक अहम जानकारी सामने आई है। सुशांत सिंह मौत मामले में रिया चक्रवर्ती पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी इस मामले में मनी ट्रेल की जांच में जुटी है। ईडी सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ वर्षों में रिया की नेट कमाई 10 लाख से 12 लाख और फिर 14 लाख तक पहुंच गई थी। ईडी सूत्रों ने इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से इसकी जानकारी दी है। वही सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत 9 जून की रात 1:30 बजे के बाद हुई थी, जबकि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर 8 जून की दोपहर को गई थी। यानी रिया दिशा की मौत से करीब 12 घंटे पहले ही सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। इसके बाद 8 जून से लेकर 14 जून तक रिया और सुशांत के बीच कोई बात नहीं हुई। तो फिर दिशा की मौत में फंसाने को लेकर सुशांत को किसने धमकी दी? सुसाइड को लेकर उठते सवालों में नया ट्विस्ट आ गया है। 20 जनवरी को 3 कॉल, 21 जनवरी को 5 कॉल, 22 जनवरी को 3 कॉल। दावा है कि इसी तरह सुबह शाम रिया का फोन सुशांत को परेशान करता था। उनके कुछ कॉल रिकॉर्ड्स मिले हैं जो इसी साल के हैं। 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच जब सुशांत सड़क के रास्ते अपनी बहन रानी के पास चंडीगढ़ जा रहे थे, इन दिनों में रिया ने सुशांत को 25 कॉल किए। कभी 2 मिनट बात हुई तो कभी 3 मिनट, कभी 5 मिनट। ये फोन कॉल बताते हैं कि सुशांत कुछ दिन रिया से दूर अपने परिवार के साथ बिताना चाहते थे, लेकिन शायद रिया को ये मंजूर नहीं था। सूत्रों से खबर है कि पिछले साल नवंबर में भी सुशांत अपनी 3 बहनों के साथ चंडीगढ़ जाना चाहते थे। इसके लिए टिकट भी बुक हो गई थी, लेकिन रिया ने उन्हें जाने नहीं दिया। इस संबंध में दर्ज की गई FIR में सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया था कि रिया उन्हें फोन तक उठाने नहीं देती। सूत्रों से खबर मिली है कि सुशांत सिंह राजपूत ने दिसंबर में भी नए नंबर से परिवार को फोन किया था। सुशांत मदद के लिए तड़प रहे थे। तब सुशांत ने कहा था कि रिया और उसका परिवार उसे पागल खाने भेजना चाहता है, वो कहीं नहीं जाना चाहते, मुंबई से पैकअप कर हिमाचल में रहना चाहते थे। उधर रिया को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। दूसरी तरफ रिया पर अब लगातार ईडी का शिकंजा भी कस रहा है। अब रिया की शॉपिंग, मेकअप, आने जाने का खर्चा, रिया के भाई के होटल बिल, ट्यूशन फीस, हवाई टिकट जैसे इन खर्चों की भरपाई का एक एक पैसा सुशांत के अकाउंट से पे किया जाता था, जिसकी तस्दीक सुशांत के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से हो रही है। सुशांत का परिवार भी आरोप लगा चुका है कि रिया पैसों के लिए उनका इस्तेमाल कर रही थी। ईडी ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जरूर की है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में नया एंगल क्या सामने आता है और आखिर क्या वाकई सुशांत की हत्या हुई है या फिर सुशांत ने सुसाइड की, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।